मम्मा के लिए मैं गिफ्ट लेकर आया था। मम्मा यार मूड खराब कर देती है, आंटी इनको कुछ भी देना इनका रोने नहीं खत्म होता। तो इसके कितने गया अम्मी? अम्मी ओए अम्मी, नाटक अम्मी मी अबे नाटक कर रही है क्या? हां ना अबे नाटक कर रही है। देखिए हम देखिएगा दोस्तों, मैं नहीं हूँ बड़े वो था। अरे मैं नहीं था, अबे मैं था ही नहीं, अरे कसम से मैं नहीं था। उसने कहा वो देख कैसे खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत और करम के साथ हमने आज के मजेदार से व्लॉग का गले तक आज। तो भाई जिससे तक मेरे चैनल शाम रोड को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ ताकि आपके भाई की हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बरवक मौसूल हो सके। अल्लाह ताला के प्यारे नाम के साथ हमने आज के मदरसा व्लॉग का लेता है गाइस। सो वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नाम के साथ, अल्लाह ताला के प्यारे फजल करम के साथ हमने अपने ब्लॉग का कर लिया इंट्रो एंड इंट्रो। तो भाइयों आज तो ये कबाड़ा इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा, आज नहीं रहने वाला। यहाँ पर क्या कलर आते हैं यार, जैसा कि आप देख सकते हो। तो भाई तोतों के साथ आज मैंने खड़ा के सचा व्लॉग बनाओ, और मेरे कबूतर भी वो देखो डर के जाके वहाँ बैठ गए, उनके दानी पानी में डालने वाला। लेकिन उससे पहले मैं अपने पेट में दाना पानी डाल दूँ कि बहुत भूख लग रही है। नाश्ते का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी से चलते दस्तरखान पर और नाश्ता करते हैं। A few moments later दोस्तों यार भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो आपके भाई ने कर लिया नाश्ता, तो वास्ता कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ओ यारो जी पता नहीं क्या हो रहा था दिल को। तुम्हारी कली की क्या बात है भाई, कहाँ कहाँ तक जाओगी या अल्लाह, तेरी किन किन नेमतों का मैं शुक्र अदा करूँ, किन किन नेमतों की तारीफ़ करूँ कम है या अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह देखे, ये हमारी कली कली है और ये हमारा गुलाब देखे। माशाल्लाह अल्लाह ने उसे नज़र बच्चे बचाए, और उसके अलावा यार इस मोटे को भी अल्लाह नज़र बच्चे बचाए जो मेरी अम्मा का है बिल्ला। हेलो बिल्ले, ओए बिल्ले मियाँ बिल्ली उधर अभी मैंने कॉपीराइट है मियाँ बोल जरा पहले तेरी में ऐसी कोई हाँ बोल बंदिया मैं बोल ले शर्त पे बोल शर्त पे शर्त लगा था मियाँ चल दीजिए ऐसी की जैसे। तो दोस्तों यार उसके अलावा यार आज एक और भी बहुत अहम काम करना है, जो कि पहले बता चुका हूँ, इस कबाड़ा हमने सेल करना है। और आज और हमारी अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, नाश्ते कर लिया? नाश्ता कर लिया अकेले अकेले कर लिया? आपके साथ ही बैठते हैं। ओ सॉरी सॉरी, आप मैंने मम्मा ने मेरे साथ बैठ के किया। तो यार अब क्या करना है यार जी, अब मैं सोच रहा हूँ कबाड़े को हाथ लगाते वो भी सेल करते, लेकिन उससे पहले बिस्तर उठाना और छोटे भाई को पानी पिलाना ये दो काम कर लेते हैं, और इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या करते हैं। चलो दोस्तों भैया अलहमदिल्ला बिस्तर तो आपके भाई ने नहीं उठाया है, तो उठाने था छोटे भाई जान से और मेरी डील हुई है यार। एक मिनट टक्टर डाली सही की जोर से, इसके बाद आती मेरी आवाज आ रही होगी तो डील बता देता हूँ क्या हुई है। हम दोनों भाई की डील हुई है भाई, ये मैं इसकी कपड़े इस्त्री करूँगा, ये मेरे हिस्से के बिस्तर उठाया, तो मैंने कहा डन हो गया उठाऊंगा पेटी में नहीं आऊंगा ये छोटे भाई जान देखे यहाँ पे मटक रहे अपनी वुल्फ के ऊपर बैठ के। चलिए चलते हैं भैया अल्हम्दुलिल्लाह पानी की गेंद लेने आए थे, पानी की गेंद मिल गया। अकेले का अस्सलाम वालेकुम, अकेले अकेले खा लो पेटी से हमारे बगल, आपने लगे दिया मुझे बड़ी भूख लग रही, अकेले अकेले खा लो हमारे लिए मंगा लेते। बीवी ने खाना नहीं दिया। ओए क्या बोला? बोला घरवाली ने खाना नहीं दिया। नहीं नहीं मैं नाश्ते में सुबह में 7:30 बजे कर लिया। अरे तो फिर अभी पेटी से भूख लग रही थी। अंकल अंकल को प्रोटीन पूरे करने ना, बॉडी बिल्डिंग। अब तो देसी मुर्गियां रखी उससे प्रोटीन पूरा करो ना, काट लो एक काट काटो एक काट काटो बिरयानी खाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं पानी के लिए घर पे, देन बाकी बातें कल जाके करते हैं। पानी के लेकर आ गए थे तो और अलहमदुल्ला दोपहर का लंच भी हो गया, तो 3:15 का टाइम हो रहा, तो बाजी को ही लेने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा यार पहले बाजी को ले आए थे, उसके बाद ब्लॉग बनाते लेकिन मैंने सोचा पहले ब्लॉग बना लो। अलहमदुल्ला खाना खा लिया, खाने में क्या था भाई, खाने में था आज ये दाल बनी हुई और रोटी और दाल को यानी मिक्स करके चूरी बना के हमने मज़े लेने के लिए खाई है, और स्वाद आ गया फर्स्ट शॉक। अबे कितना खाएगा मोटे बस कर ले, फट जाएगा बंद हो जाएगा तेरा। तो दोस्तों उसके अलावा मैंने आपसे एक और भी बात करनी थी, वो निकाल दो घर से बात, तुम्हारा बस ना चले मेरे को तो रोटी
साठिया रोटियाँ को दिया भी बहुत। तो दोस्तों उसके अलावा मैंने आपसे बात करी थी, तो आप लोग वैसे थंबनेल से समझ के होंगे मैं करने वाला क्या हूँ। यार आज करने वाले हैं मम्मा के साथ प्रैंक दोबारा से, तो फेक माउस प्रैंक करने वाले हैं, तो देखते क्या मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले धागे बाजी को लेकर आ जाऊँ कि उसका पेपर था आज फर्स्ट, तो जल्दी जाकर उसे ले आते और इंशाल्लाह फिर आके बाकी बातें करेंगे और प्रैंक करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं। A few moments later. तो दोस्तों यार मम्मा के लिए मैं गिफ्ट लेकर आया था। मम्मा यार मूड ख़राब कर देती है, इनको कुछ भी देना इनके रोने नहीं ख़त्म होता, तो इसके अंदर हमने गिफ्ट रख दिया। तो अब मम्मा को देते हैं गिफ्ट जाके। तो मम्मा रुबट्टा ले लो, फिर तुम बोलोगे मैंने रुबट्टा नहीं दिया तो मुझे सही बना भाई। गिफ्ट आया तुम आज ले यार, ले लो रुबट्टा। ओ यार ले लो, मैं मजाक के मूड से नहीं है, ले लो रुबट्टा। गिफ्ट लेना तो ले लो वरना जाए बोलो। ऐसा वैसा गिफ्ट दे रहा हूँ तुम्हारे को, तुम जिंदगी याद रखोगे आने तो। हाँ तुम्हारे को गिफ्ट दे रहा हूँ आज, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बर्थडे थी। मैं तुम्हारे को तुम्हारी बर्थडे डब्बे छिया छोटे भाई जान, मम्मा के लिए गिफ्ट लाया हूँ ना मैं, बता इधर आ। मम्मा यकीन ही नहीं कर रही, उठ के यार शादे उठ के तो आ जा यार। अबे शादे भाई आ जाना यार, मम्मा को दे गिफ्ट यार। अबे अम्मी मानती नहीं है यार। अबे आ जा यार, है यार एक तो इसकी समझ में नहीं आती, इसको सीधा करो। तो यारो अब चलते हैं और मम्मा को देते हैं गिफ्ट। छोटे भाईजन को मैंने बुला लिया, छोटे भाईजन ने मिल के हम दोनों भाई मिल के देंगे गिफ्ट। मेरा हाथ बहुत दुख रहा है यार भाई, कैमरा ही नहीं पकड़ा जा रहा है, जल्दी आ जा। तू तो ये कि क्लिप में पूरा डेढ़ घंटा निकाल दिया, तो तू देगा गिफ्ट या मैं दूँ? चल तू दे गिफ्ट मम्मा के पास, ऐसे हाथ में मम्मा खोलेंगे गिफ्ट। तो मम्मा गिफ्ट मम्मा के लिए आपके लिए खोलूंगा आपके लिए गिफ्ट है ना, खोलो। अरे मोबाइल दो, छोड़ो इसको इधर रखो। अरे गिफ्ट खोल के तो देख, अरे खोल के तो, अरे खोल के देखो। अल्ले मैं हाथ फाड़ दूं, मैं खोल दूं मेरे को 80 90 पूरे। तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें किसने बताया गिफ्ट का ये? चल फिर आ जा। कितने गया अम्मी? अम्मी ओए अम्मी, नाटक अम्मी अम्मी अबे नाटक कर रही है क्या? हाँ ना अबे नाटक कर रही है। हेलो 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 अम्मी अम्मी, अरे चूहा मुंह उतर रख देता रोटी मेरी। ओए अम्मी अम्मी, अबे कैसे एक्टर है, मेरे को एक्टिंग करके दिखा रही है, इतनी बड़ी हो गई मेरे को एक्टिंग करके। अच्छा फिर आ ले। अरे यार सर प्रैंक ही ब्लॉग हो गया, मैं आगे बेहोश हूं, अरे बेहोश करके दिखा रही है। कैसे हुई थी बेहोश, कैसे हुई थी, दबा रहा हूं ना। ओ याद है मर गई। ओए मम्मा की हो देखिए, हम देखिएगा दोस्तों। शुक्र है आज गाला शाला नहीं लग गया, पहन तो बना गई। अरे चल जा, बस बस बहुत। ऐसे कैसा गिफ्ट था, बस फोन बहुत हो गया तेरे अपनों में रात लेना भी मैं ना काम कर दे। तो की कितना चू हां से परे हो जा। अच्छा गिफ्ट कैसा लगा ये तो बताओ। अच्छा सीरियस सीरियस, चल आज गिफ्ट नहीं तो उन परे चला के मार, परे मार जो परे छड़ते तो परे हो जा। आ देख आ गया बस कहते जा गिफ्ट दिया। पता से कब की कट पीती फटा तू जिन्नो की लगे दे दसिया मेनू जितन दा तो करना छे ना। एक होर प्रैंक सोचिया, एक होर प्रैंक सोचिया, एक होर प्रैंक सोचिया, मैंने पता से कोई होजे तमाशे करेगा। अच्छा अच्छा जी उषा जी, वो तो तेनू कितना भी तो पता चलया होए ना, वही तेनू पता चलया जुटी नहीं मारी जी, अमे कितने सिटिया मजाक तो हट गया। बस गया
ਓਏ ਅੰਮੀ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਅੰਮੀ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲਾ ਜਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ ਨੂੰ ਬਸ ਚੂਹਾ ਢੂੰਡੀ ਚੂਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾ ਚੜਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਬਾਤ ਹਮਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਊਸ मौज को तो ड्राइंग करके आज नहीं तो कल इंशाल्लाह जरूर धमाकेदार प्रैंक करूंगा ये पूरी जाएंगी मेरी अम्मा। तो यार अब इसको हाली फिलहाल इसको यहीं पे रख देता है, तू यहीं पे रह सकून मार चिल मार डरा मत दियो बस किसी को, मैं कुछ नहीं डर रहा रात कर रहे हैं। तो यार प्रैंक तो कुछ सक्सेसफुल ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन बट ये बात है प्रैंक तो अच्छा था हो गया मम्मा के साथ। तो अब क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं अब, बस अपनी आज की बाकी की रूटीन को कंटिन्यू करते हैं। चलो दोस्तों यार कोई बात नहीं, हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो यार लेकिन अपनी रूटीन ही तो करनी है, वो रूटीन ही बना देते प्लान सारा पानी पिया। क्या बोला? ऐसा नाटक करा डरी नहीं। ओह यार मेरे को पता है इसके पीछे हाथ किसने बेटा, मेरे को पता ही है तू ही है और कोई नहीं। इसने भंड मार के इस पर पता था प्लान ना, और किसी को नहीं पता था और इसी ने भंड मारा होगा, मेरे को इतना ही पता। किसको पता था? शादी को पता था कि अपने प्रैंक करना और किसी ने आपको बताया होगा, मेरे को बता नहीं था। पूरा 100% शक था कि इसको इसकी हंसी बता रहा है तो है मोबाइल चार्ज नहीं मिला था। अच्छा जी तो अब जाते हैं छोटे भाई को छोड़ के आते हैं और इंशाल्लाह बात की बात बाद में आते हैं। 2000 years later. ऐसे रख रख के मारना टीम बना लेते रिश्वत। अबे रिश्वत तेरा ये अच्छा तो दोस्तों यार आप लोग बोलोगे एकदम से क्या होगा यार, कुछ नहीं हुआ शादी ने गलती हरकत मेरे साथ तो मैं चला गया इसको मारने के लिए, तो इसने मेरे साथ हरकत की तो आपको रिश्वत दे रहा कि मेरे को मारे। तो मैंने इसकी नाक ऐसी दबाई है मैंने एम करके कि इसकी एम ही हो जाए, देखा कितना खून आ गया। हुई 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 तो दोस्तों यार जैसा कि पता है कि यार मजा तो नहीं आया था प्रैंक में, थोड़ा बहुत एंटरटेन हो गया व्लॉग में तो मैंने कहा वेल एंड गुड हो गया। तो अब क्या कर लो, अरे यार एक तो ये अब्बा जी हमारे को बात नहीं करते आपसे यार, बोलते पहले मेरी सुन लो फिर साथ करो, पहले मेरी भी सुन लो मतलब बोले जा रखी आप करते क्या बोले सुनना। ओ अच्छा जी क्यों यार 5 मिनट में मिलता हूँ। तो दोस्तों यार 5 मिनट के बजाय आधा घंटा ही हो गया, ये मेरी अम्मा ने पता नहीं क्या शोर मचाया हुआ और छोटे भाईजान लैपटॉप के ऊपर देर धमाधम लगे पड़े हैं, इनको तो काम ही नहीं है। तो हम अपने सोचा अपने ब्लॉग पर एंड करें, हम भी लेटे सुकून करें क्योंकि भाईजान हमें आजकल पता नहीं क्या हुआ कि टाइम से सो रहे हैं, 10:15-10:30 बजे तक सो जाते हैं। मम्मा बात ऐसी है 10:15-10:30 बजे तक हम सो जाते हैं, इज्जत ही कोई नहीं हमारी, कोई बात का जवाब नहीं देता। हमने कहा था कोई जवाब दे देगा हमारी बात के लिए, हमारी इज्जत की कोई है नहीं। मैंने कहा माँ जी कि आजकल अपन 10:15-10:30 बजे तक सो जाते हैं, उस पर बोल रहा हूँ मैं जी। इतने टाइम से क्यों सो जाते हो, देर तक को नहीं जागते? सुबह उठना होता ना फजर में, हाँ फजर जल्दी होती है, फजर जल्दी होती है और जल्दी बाबा जी उठा देते हैं, फिर सोने भी नहीं देते। 6 बजे होती थी या 5 बजे होती? हाँ यही बात तुम्हारी सही है। तो दोस्तों यार 6 बजे होती थी, 11 बजे सोते थे, 5 बजे होते थे, 10 बजे। तो दोस्तों यही बात है और कोई बात नहीं है। तो दोस्तों अब मैं भी लेटूंगा और चल मारने के कपड़े चेंज करने हैं, बजरी बनाना है, बहुत सारे काम करना है। तो उससे पहले सोचा कि अपने ब्लॉग को यहीं पर लगा दूँ फुल स्टॉप, जिसके बाद ब्रैंक ब्रैंक या सब कुछ हम बस देख लिया होगा ब्लॉग कैसा गुजरा है। अगर अच्छा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में यानी कि पूरे दिन की रूटीन में। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल भी मत जाना, जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑल पे कर लो ताकि आपके भाई के आने वाले लेटेस्ट वीडियो को बराबर पहुँच सके। तो आज ही लेते हैं मिलेंगे किसी और नए कॉन्टेंट ब्लॉग के साथ, सो लेट्स टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।